ज़्यादा कुछ नहीं है पापा, आज 3 चैनल एक साथ डिलीट हुए, आप लोगों का सहयोग चाहिए आगे बढ़ने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर नया नया यूट्यूबर बनने की सोच रहे हो, लोगों के कहने पर कितने पैसे हैं, ये मिलता है वो मिलता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद ही नहीं आपकी आंखें खोल देने वाली है। YouTube पर वो भ्रम जाल जो आप लोगों को दिखाया जाता है वैसा कुछ नहीं। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर हर कोई आना चाहता है, अपना नाम कमाना चाहता है। कुछ लोग अच्छा नाम कमा भी चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो YouTube पर कामयाब होते होते बैठे हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपकी काम की चीज है। मैंने YouTube पर वीडियोस बनाने शुरू की, एक चैनल था उस पर मैंने न्यूज की वीडियोस बनाई और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता था उस पर, सरकारी योजनाओं से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता था, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आए। कुछ लोग कहने लगे कि एंटी बीजेपी है, कुछ लोग कहने लगे कि बीजेपी का सपोर्टर है, कुछ लोग कहने लगे कि कांग्रेस का एंटी है, कुछ लोग कहने लगे कांग्रेस का सपोर्टर, अलग अलग नाम यहां पर आने लगे। मैंने टॉपिक चेंज किया, उसी चैनल पर वीडियोस बनाने शुरू किए, सर्वे किए, आप लोगों के सहयोग से अच्छा चलने लगा चैनल और ग्रो भी कर रहा था। लोकल न्यूज की जगह, क्योंकि जिन लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन देता था लोकल लोगों को, उन्होंने ही चैनल रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि ये तो बीजेपी का है, वो है। चलिए उस बात को छोड़ देते हैं, अगली बात पर मैं आप लोगों के लिए आता हूँ कि ये YouTube ऐसा माया जाल है, इसमें जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं वो आप लोगों को खा जाएंगी। जी हाँ, सीधा सीधा जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, सीधी सी बात है। आज एक साथ में 3 चैनल मेरे ब्लॉक हुए हैं, उसमें बहुत से रीजन आए हैं। नंबर एक तो मैं अपील ही नहीं कर सकता, क्योंकि नो रिप्लाई से ईमेल आया है, इस पर मैं रिप्लाई अगर मैं करना भी चाहूँ तो कुछ नहीं होगा। न्यूज वाले चैनल के साथ ही मैंने एक और चैनल शुरू किया, जिसपे मैं जो सीरियल्स चलते हैं, जैसे अनुपमा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और भी बहुत से सीरियल हैं, उनकी न्यूज बतानी शुरू कर दी। ना ही मैंने उनके कोई वीडियो डाले, सिर्फ न्यूज बतानी शुरू कर दी, जिसमें एक आध क्लिप उनकी लेनी मैंने शुरू कर दी। अब वो भी मैंने क्यों शुरू किया कि बहुत से चैनल ऐसे हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर है, वो पूरे के पूरे वीडियो उठाकर डाल रहे थे, लेकिन मैंने क्लिप डालनी शुरू की, साथ में जैसे आप लोगों से बात कर रहा हूं ऐसे ही साथ में लगानी शुरू कर दी कि अब ये होने वाला है। यकीन मानिए, जैसे ही चैनल ने ग्रो करना शुरू किया, जैसे ही वीडियो पर 10 से 15-20 हज़ार व्यू आने शुरू हुए, आज जो है एक साथ में जितने भी पुराने वीडियोस थे उन सभी पर स्ट्राइक दे दी गई, ना ही पहले कुछ और, एक ही टाइम में, जबकि वीडियो बनाते हुए 1.5 महीने से ज्यादा उस टॉपिक पर हो गया था, चैनल डिलीट कर दिया गया। चलिए वो चैनल डिलीट कर दिया गया, हो सकता है कुछ और कारण हो, कंटेंट बता रहे थे कि गलत है, लेकिन साथ में जो न्यूज वाला चैनल था जिस पे इंफॉर्मेशन दिया करता था उसको भी डिलीट कर दिया गया। उसी चैनल के साथ में क्रिकेट के लिए मैंने एक चैनल शुरू किया था अपना, जिस पर आप लोगों की रीच आनी शुरू हुई थी, आप लोगों ने देखना अभी अभी शुरू भी किया था, उस पर भी क्रिकेट की न्यूज ही देनी शुरू की थी, वो भी साथ में डिलीट कर दिया। अब आप लोगों के लिए यहाँ एक सबक है कि एक ही ईमेल आईडी से ज्यादा चैनल मत बनाइएगा, क्योंकि वो मेरे तीनों चैनल एक ही मेल आईडी पर थे और तीनों के तीनों उड़ा दिए गए। अगर आप लोग भी ऐसा करेंगे तो हो सकता है भविष्य में आप लोगों के सामने कुछ कर। दूसरा, मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब लोग पूरी की पूरी वीडियो क्लिप उन सीरियल्स की डाल रही हैं, यानी कि पूरा का पूरा वीडियो उठाया कॉपी पेस्ट कर दिया, उनके लाखों में सब्सक्राइबर है, लाखों में व्यूज आ रहे हैं,
उनके चैनल बंद क्यों नहीं हो रहे, डिलीट क्यों नहीं हो रहे यूट्यूब से, जबकि एक नया नया यूट्यूबर जिसने अपने 3 चैनल को बड़ी मुश्किल से ग्रो किया था, जिसमें रिवेन्यू आना स्टार्ट हुआ था, अभी ये मानिए कि 12 या 15 तारीख को रिवेन्यू जो जनरेट होता है वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि आज से पहले मेरा चैनल डिलीट हुआ नहीं था, और वो पैसे जो मेरे थे उसमें 200 प्लस के डॉलर अभी पड़े थे, और अभी आप ये मानिए कि 15 दिन का टाइम और था मेरे पास, तो और भी बहुत कुछ हो सकता था, वो सारे के सारे पैसे भी चले गए। चलिए 15-16 हज़ार 20 हज़ार के आसपास थे, कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन चैनल डिलीट होना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आप लोग ऐसी गलती मत कीजिए। नंबर एक, तो मैं जहां पर अपनी गलती मान रहा हूँ वो ये है कि एक ही मेल आईडी पर मैंने 3 चैनल बना दिए, तीनों की तीनों एक साथ डिलीट कर दिए। दूसरा, मैं यहां पर ये बात कर रहा हूँ कि यूट्यूब ऐसे लोगों पर कुछ क्यों एक्शन नहीं लेता जो भी पूरी की पूरी वीडियो क्लिप डाल रहे हैं और जिनके लाखों में सब्सक्राइबर है। फिर एक जो उभरता हुआ यूट्यूब चैनल है जिसने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से अपनी ऑडियंस में रीच बनाई है, जिसके अभी पिछले एक महीने से 15-20 हज़ार प्लस व्यूज आने शुरू हुए हैं, आप उनका चैनल डिलीट कर रहे हैं, जबकि आपका जिनके पास लाखों सब्सक्राइबर है, लाखों व्यूज आ रही हैं, वही चीज न्यूज की जगह वो वीडियो क्लिप डालते हैं, उनका आप लोगों के पास कुछ बिगाड़ने का मौका नहीं है, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आखिर क्यों? दोस्तों सोच समझ कर आगे बढ़िएगा इस फील्ड में, और अपने ही जो आसपास के लोग हैं ना उनके बारे में सतर्क जरूर रहिएगा, उनको कभी मत बताइएगा कि आपकी यूट्यूब से इतने पैसे आ रहे हैं, आप इतना कमा रहे हैं, आप उनको इन्फॉर्मेशन देने की मत कोशिश कीजिएगा, मैं तो यही कहूँगा। बहुत से लोग रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं भाई, बहुत से लोग मैसेज आएंगे, कमेंट्स आएंगे, एंटी बीजेपी, बीजेपी, कांग्रेस, फलां टिका, अरे भाई किसी भाई को अपना काम करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब ये बताइए, गवर्नमेंट योजना की स्कीम के बारे में अगर जानकारी दे दी किसी को तो लोग कहते हैं कि ये भगत है। जैसे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में तो कहते हैं भगत है, और बीजेपी के जो समर्थक हैं साथी वो खुश हो जाते हैं, वाह वाह। एक आध वीडियो में अगर कांग्रेस की कुछ वीडियो डाल दी कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे, तब पूछते हैं कि फला की वीडियो थी उस टाइम तुमने क्यों नहीं डाली। अरे भाई जब कांग्रेस की कुछ चीज अच्छी लगेगी वो कांग्रेस की डलेगी, बीजेपी की स्कीम्स बता रहे हैं तब भी आप लोगों को प्रॉब्लम, कुछ बुराई छोटी मोटी हो जाए तब भी आप लोगों को प्रॉब्लम, पता नहीं क्या है। यूट्यूब, फिर से कहूंगा उसी चीज पे आ जाता हूँ, यूट्यूब की जगह फेसबुक पर जाइए, वहां वीडियोस बनाइए, अच्छे खासे फॉलोअर्स मिलेंगे आप लोगों को, अच्छी खासी वीडियो रीच मिलेगी, पेमेंट भी ज्यादा है इससे ज्यादा यूट्यूब से। दूसरा आप लोगों को बता देता हूं, बहुत सी बार तो ऐसा होता है यूट्यूब पे कुछ लोग पूछ रहे हैं कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत सी बार तो ऐसा था 2-2.5 हज़ार में भी 1 डॉलर आ जाता, बहुत बार ऐसा होता 8-9 हज़ार रुपए भी 1 डॉलर नहीं बनता भाई, ठीक है, सोच समझ कर। रिक्वेस्ट है यूट्यूब से, कुछ बिगाड़ना है तो बड़े बड़े महारथियों का बिगाड़ो भाई, जहाँ स्टार्टिंग हुई है, जहाँ बेसिक है, उन लोगों का क्यों कुछ बिगाड़ रहे हो? कुछ हजारों में या फिर कुछ लाखों में तुम लोगों का क्या बिगड़ेगा? जिसने मेहनत की है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, पर एक ही जो मेहनत तो उन लोगों ने भी की है, लेकिन उनके बराबर में हमें पहुंचने के लिए टाइम तो दो, पहले उड़ा दोगे तो कहां तक पहुंचेंगे उनके पास? ज़्यादा कुछ नहीं है पापा, 3 चैनल एक साथ डिलीट हुए, आप लोगों का सहयोग चाहिए आगे बढ़ने के लिए।